तो हेलो गाइस, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ में मिल रही हूँ। और वो नए वीडियो में है क्या, आज नए ब्लॉग के साथ में। आज कुछ ये मेरी भांजी है, कह रही मामी मामी मेरे लिए चाउमीन बनाइए। तो चाउमीन कुछ ना ज़्यादा होते हुए तो मैं केवल चाउमीन ही बना रही हूँ शादी। तो मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बैक कैमरे के साथ में आपको मैं दिखा रही हूँ। पानी इतना ज्यादा बॉयल हो रहा है, इतना ज्यादा हीट हो गया, क्योंकि मैं उसका साड़ी जो आई थी तो उनको मैं दिखा रही थी, पार्सल जो आए हुए थे तो मैं अनबॉक्सिंग उनकी कर रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो चलिए मैं इसको इसमें ये रखे हुए हैं, तो इसको मैं नूडल्स, मैं दूसरी नूडल्स यूज करती हूँ और यही नूडल्स मैं खाने में बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। ये आटा नूडल्स हैं, बट वो तो आरारोट की भी होती हैं, मैदे की भी होती हैं, वो नहीं खाना चाहिए, वो पेट के लिए बहुत बेकार होती हैं। और हमारा तेल हीट हो गया है, चाउमीन के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं अब सबसे पहले हमारा जीरा जाएगा, एक चम्मच जीरा। अब हमारी आधी चम्मच इसमें सौंफ जा रही है, बहुत अलग स्टाइल पे ये बन के तैयार हो। अब ये देखिए हमारा प्याज लहसुन पक रहा है। अब ये धनिया पाउडर जा रहा है, ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चे जा रहे हैं, ये हमारा अजीनो मोटो जा रहा है, नमक इसको बोलते हैं, का पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमारा स्वादानुसार इसमें नमक जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हल्दी पाउडर जा रहा है, थोड़ा सा आधी चम्मच से कम, ये पीसी हुई आमचूर पाउडर जा रहा है, ये हमारा लगभग एक से डेढ़ चम्मच इसमें लहसुन पानी गया, एक से डेढ़ चम्मच ये हमारा सोया सॉस जा रहा है। अब मैं इसको सारा मटेरियल डालते हुए मैं चाउमीन को मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और बहुत नई स्टाइल में, बहुत जल्दी बनने वाली, 5 मिनट में मैं चाउमीन बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारी अलटाते पलटाते हुए आपको हम, और बहुत टेस्टी, ना तो हमारे पास इस समय बंदा था, ना तो गाजर थी, ना तो कोई था, लेकिन फिर भी मैं इनको बहुत सिंपल, बहुत अलग तरीके से इनको बना रही हूँ। दिखाइए ज़रा, कैमरामैन इनको फोकस करिए, एक मिनट, एक चम्मच का सहायता ले रही हूँ, थोड़ा सा हमारी रेडी हो गई है। कैसी लग रही है तन्नू? बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रही है, खाने में अम्मी अम्मी लगेगी। हाँ, खाने में भी टेस्टी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। आप सब लोग जरूर खा देखिए, वैसे बनवाइए। वो हमारे कम्प्लीट हो गई है, तो हमारी चाउमीन कम्प्लीट हो गई है, मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। बंद कर दूँ ना? बंद कर दो। चलिए मैं सर्व करके दिखला रही हूँ आप सब लोगों को, और टेस्ट करके अभी तन्नो बताइए कैसी लग रही है। जी मैं बताऊँगी, जब ये तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह, इसकी एक वो फोटो ले लो पहले,
देखिए हमारी चाउमीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है। तो आप हमारी बांजी तन्नो खा के बताएंगी कैसा है। तो बताइए तन्नो, खाइए जरा चाउमीन का टेस्ट कैसा है, सही बताइए भाई, मजाक मत करिएगा। मजाक नहीं कर रहा मामी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। हाँ, खुशबू कैसी है? बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है खाने में, बहुत अच्छी लग रही है खाने में सच में। हाय गाइस, बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है हमारी चाउमीन, बंदा नहीं था फिलहाल, फिर भी जैसे तैसे करके बहुत ही टेस्टी बनाई है मामी ने। तो भी खाइए, खूब पेट भर के खाइएगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, देखो हमारा मतलब इशारा है, मुंह में खा रही है तन्नो, इसलिए इशारा है कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा ब्लॉग बोलिए फिर से, हमारे धमाकेदार वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।